नमस्कार दोस्तों, एन के सी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं अपडेट निकल का है 1 अगस्त 2018 यानी आज के डेट में अपडेट आया है। यहाँ देख पा रहे हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 कांस्टेबल भर्ती को लेकर विशेष अपील दाखिल, और नीचे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ देख पा रहे हैं ये जो अगस्त है 14 अगस्त तक की लगाई गई है, और इसके अंदर क्या क्या है अपडेट आपको पूरी अपडेट बता देते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ये पूरी हिंदुस्तान पर आई है, तो इसमें कोई झूठ और सच की बात ही नहीं है। आपको एकदम पूरी इस पर विश्वास करना चाहिए। हिंदुस्तान का ये साइट है, आप भी चेक कर सकते हैं। 1 अगस्त 2018 की अपडेट में आए हैं, आपको नीचे भी दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ भी देख पा रहे हैं अपडेट आया है, तो पूरी अपडेट देते हैं। उससे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे, एन के सी न्यूज़ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल के क्रिएटेड प्ले लिस्ट में चले जाना। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे कंप्यूटर्स विद क्वेश्चन आंसर, करेंट अफेयर, यहाँ देख पा रहे हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों इससे भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी के लिए, तो दोस्तों मेरे और सब ग्रुप टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं। मेरे और सब ग्रुप टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर के बटन दिखता होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मिलेगा इसके बगल में छोटा सा बेल बटन, दोस्तों इसको भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो आपको नोटिफिकेशन देती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों। दोस्तों चलिए देख लेते हैं तो अपडेट जो निकल के आए हैं, हम देख पा रहे हैं यानी आज के डेट में अपडेट आए हैं दोस्तों निकल के। यहाँ देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23,520 पुलिस एवं पीएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द करने श्री कर्णन की मांग में दाखिल याचिका खारिज करने के आदेश की चुनौती में विशेष अपील दाखिल हुई, जिस पर सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद सिंह माथुर एवं न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण गोपाल सिंह की विशेष अपील पर अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव को सुना कर दिया। अपील के तथ्यों के अनुसार परीक्षा की दोनों पालियों में एक ही तरह के पेपर दिए गए थे, जिस पर लीक की संभावना बढ़ गई, और नीचे देख लेते हैं दोस्तों, इससे परीक्षा की निष्पक्षता भी प्रभावित हुई। अपील पर बहस के लिए सरकारी वकील देख रहे हैं, सरकारी वकील जो हैं कोर्ट से समय मंगा है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 14 अगस्त की तिथि लगा दी है, यानी 14 अगस्त की सुनवाई आपकी होगी। तो दोस्तों जैसे ही सुनवाई कुछ आती है तो आपको मैं अवश्य अपडेट कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कुछ न कुछ डेली अपडेट करते रहते हैं दोस्तों यूपी पुलिस से संबंधित। दोस्तों मेरे चैनल पर देखेंगे तो यूपी पुलिस के सारे वीडियो अपडेट मिलेंगे आपको, कोई अपडेट जो मिस नहीं होंगे यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कुछ न कुछ डेली अपडेट करते रहते हैं दोस्तों, किसी भी तरह आपके न्यूज़ आएंगे तो यहाँ पर मिस नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों एन के सी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर का बटन दिखता होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में साथ में होगा छोटा सा बेल्टन, उसको दबा देना ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो आपको नोटिफिकेशन देती रहेगी। और दोस्तों वीडियो तो देखते लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक भी क्या करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और बनाने की मोटिवेशन हमको मिलती रहे। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके दोस्तों में पता चले दोस्तों, ये पक्की न्यूज़ है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों फिर ऐसे अपडेट के साथ अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।